नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आज सुबह से ही पूरे त्रिलोकपुरी में विधायक रोहित मरौलिया के खिलाफ भाजपा के तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अनाज चोरी का, अनाज के घोटाले का एक आरोप लगा है। चूंकि विधानसभा त्रिलोकपुरी है, चूंकि इनके विधायकी क्षेत्र में ये काम हुआ है, आइए उस मसले पर जानते हैं विधायक का क्या कहना है, विधायक क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या मसला है पूरा, क्या गड़बड़ झाला है, इस पूरे प्रकरण पे बातचीत करते हैं, तफसील से आपकी बात कराते हैं। विधायक जी, आज ये मामला आ रहा है, आप पे भाजपा के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आज कार्यालय पे भी आए, अनाज घोटाले का आरोप है, क्या कहना है आपका? देखिए, बीजेपी का तो काम ही है कि पूरे देश के अंदर इस तरह से अराजकता का माहौल बनाना, और अनर्गल जो आरोप हैं वो विपक्षी पार्टियों पर लगाना। पूरी तरीके से जनता का जनाधार ये खो चुके हैं, तो इनका केवल यही काम रह गया है कि जगह जगह जाके केजरीवाल जी के पोस्टर फाड़ना और आम आदमी पार्टी के खिलाफ उल्टे सीधे बयानबाजी करना। लेकिन जहाँ तक इस जो भी प्रकरण ये रहा है अनाज वाला, इसके लिए मैं बता दूँ कि ये यहाँ पर जो हमारा न्यू अशोक नगर के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट का हमारा स्कूल है, तो दिल्ली सरकार की ओर से सभी बच्चों के लिए जो मिड डे मील के अंदर जो उनको खाना मिलता था, उसकी जगह मिड डे मील के अंदर जो बच्चों को पोषण के लिए जो खाना मिलता था, उसके जगह पे ड्राई राशन बच्चों को मुहैया कराया जा रहा है। तो अभी देखने में आया है कि बहुत सारी जगह पर जो बच्चे हमारे प्रवासी जो बच्चे हैं, जो अपने गांव चले गए इस दौरान लॉकडाउन के दौरान, वो वापस नहीं अभी तक आए हैं, तो पिछले 3-4-5-6 महीनों से तो उनके नाम का जो राशन है वो लेने नहीं पहुंचे, तो वो कुछ राशन वहां पर बचा हुआ, तो सभी स्कूलों में थोड़ा थोड़ा राशन आपको मिल जाएगा, इसमें कोई अलग से बात नहीं है। ऐसे ही हमारे न्यू अशोक नगर के अंदर भी कुछ राशन रखा हुआ था। मुझे इस बात की जानकारी अभी लगभग 2 हफ्ते पहले एक हमारे SMC के कार्यकर्ता ने आके मुझे बताया ऑफिस में कि जी कुछ राशन वहाँ पर है जो रखा हुआ है वो ख़राब हो गया है, सड़ गया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो रखा हुआ था। तो मैंने यही कहा कि वो राशन अगर ख़राब है तो उसको किसी को भी बांटना नहीं है, क्योंकि कोई भी खाएगा बीमार हो जाएगा। उसके 2 दिन बाद में मैं वहाँ पर दौरा करने गया था, वैक्सीनेशन सेंटर हमारा उसी स्कूल में बना हुआ है, तो वहाँ के जो HOS हैं ईश्वर जी, उन्होंने मुझे बताया कि सेम बात उन्होंने मुझे बताई कि सर यहाँ पर कुछ राशन ऐसा है कि जो ख़राब हो चुका है और उसमें उसका काफ़ी दिनों से यहाँ रखा है, बच्चे लेने नहीं आ रहे। तो मैंने उनको ये बोला कि अगर कोई अब बच्चे लेने भी आते हैं तो ये ख़राब वाला राशन उनको ना दिया जाए। यहाँ तक का मेरा उसमें रोल था कि मैंने उनको इस बात के लिए सख्त हिदायत भी दी कि ख़राब राशन ना बांटा जाए। अब उसके बाद में उसमें पता लगा कि कुछ राशन उसमें सही था, कुछ ख़राब था। लगभग 40-48 बच्चों का वो राशन उसमें रहा होगा, इतने उसकी संख्या इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। तो उसमें लेकिन देखने में आया कि बाद में मुझे पता लगा कि कुछ हमारे SMC के जो साथियों ने मिलकर और जो HOS उन्होंने मिलकर उस राशन को गौशाला में देने के लिए, कहीं देने के लिए, जो भी उन्होंने सोचा वो जाने। तो मुझे बाद में पता लगा कि उन्होंने स्कूल से कुछ राशन बाहर निकाला है, तो जो आप लोगों के ज़रिए या स्थानीय लोगों के ज़रिए, कार्यकर्ताओं के ज़रिए मुझे पता लगा, तो जो कि मुझे भी गलत लगा कि ये मतलब इस तरीके से राशन जो भले ही ख़राब हो गया था उसको इस तरीके से नहीं बाहर निकालना चाहिए था। और इसके लिए हमने सख्त जांच के आदेश भी दे दिए हैं। डायरेक्टर एजुकेशन को मैंने खुद यहाँ पे लेटर लिखकर, जो हमारे HOS यहाँ पर स्कूल के हैं, उनके खिलाफ भी जांच के आदेश दिए। साथ ही साथ जो हमारे SMC के जो कुछ साथी हैं जो उन्होंने गलत जो निर्णय सीखा लिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो साथ ही साथ मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी राशन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, गरीब जनता को दिया जा रहा है, चाहे वो स्कूल में बच्चों को दिया जा रहा है, हमारा यही ध्येय है और यही हमारा उद्देश्य है कि एक एक दाना उनकी थाली तक पहुँचे। और जो भी व्यक्ति गलत मंशा रख के उस जो उनके हक का राशन है उसमें सेंध लगाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो स्कूल के अधिकारी हों, टीचर्स हों, चाहे वो HOS हों, चाहे वो बाहर के लोग हों, SMC के लोग हों, चाहे हमारे अपनी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों ना हों, इनके सबके खिलाफ जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश हमने दे दिए हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इसमें मिली भगत विधायक की भी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका तो काम ही है आरोप लगाना, और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति उनका पुराना इतिहास है। इस तरह से आज करने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है दिल्ली के अंदर खासतौर से, तो इस तरह के वो अनर्गल आरोप लगाते हैं, उनकी उनका काम है इस तरह करना, और हम अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं। जनता देख रही है कि आज कितने ज़्यादा लोगों को इस समय कोरोना के अंदर राहत देने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के मार्फत किया गया है। आज इतने लाखों लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको भी राशन मुहैया कराया गया है। पिछली बार भी 54 लाख से ज़्यादा लोगों को राशन दिया गया था जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। 72
4 लाख से ज़्यादा लोगों को जिन पर राशन कार्ड है उन लोगों को राशन मुहैया कराया गया, और बना हुआ खाना 10 लाख लोगों को रोजाना खाना दिल्ली सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इस सेवा के इस संकट के समय में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने बढ़ चढ़ कर निस्वार्थ भाव से काम किया है तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। इस तरह के निराधार आरोप लगाना गलत बात है, और जो भी हमारे भी ये भी साथी हैं तो, लेकिन प्रथम दृष्टिया जो नज़र आ रहा है तो हमें यही नज़र आ रहा है कि उनका भी कोई गलत इरादा नहीं रहा होगा कि इसको कहीं करना है। बाद में उन लोगों साथियों से हमने पूछा कि जो SMC के जो लोग थे कि आपने किस लिए निकाला, तो उन्होंने यही हमें बताया था कि जी इस राशन में जो खराब जिसको बताया गया था इसमें आधा राशन खराब हो चुका था, आधा उस हिस्सा उसका कुछ बचा हुआ था जो खराब नहीं हुआ था, सड़ा नहीं था, तो हमने ये सोचा था कि शायद इनको गरीब लोगों में बांट दिया जाए, लेकिन उनका जो तरीका था वो गलत था। इसके लिए पूरी जाँच होनी चाहिए, इसके लिए जाँच का विषय है और जाँच के हमने आदेश दे दिए हैं। ये थे त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित महरौलिया, जो बता रहे थे कि अनाज जो सड़ गया था, चूँकि कई प्रवासी बच्चे नहीं हैं जिसकी वजह से अनाज का भंडारण के लिए एक स्कूल में रखा गया था जो वैक्सीनेशन सेंटर भी है, 2 दिन पहले ये वहाँ गए भी थे, लेकिन जिस कारण भी अनाज खराब होने के कारण वो गौशाला में ले जाया जा रहा था, लेकिन किसी कारण वो मीडिया में बात आ गई और इसको उछाला जा रहा है, जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है। जो भाजपा इस तरह की राजनीति करती है वो इसके पीछे है। तो तमाम तरह की बातें और सफाई और सारी बातें हमने विधायक से की, आपने देखा किस तरीके से बड़े साफ गोई से सारे इल्जामों को इन्होंने साफ साफ खारिज कर दिया। आप बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, त्रिलोकपुरी।